हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले स्मिच की तरफ से आने वाले वाईफाई आरजीबी स्मार्ट बल्ब को। मैंने 10 वॉट की रेंज में मंगाया फ्लिपकार्ट से। तो जैसे देख सकते हो भाई, वाईफाई का मतलब ये नहीं है इसमें आप नेट चलाओगे अपने फ़ोन में, इसका मतलब ये नहीं है भाई। इसका मतलब है आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई से और इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो इसके बॉक्स भी अगर हम देखें तो क्या क्या दे रखा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे खतरनाक बात ये है, मेक इन इंडिया में आपको ये लोगो इधर मिल जाता है नीचे। और इसके MRP यहाँ पर देख सकते हैं, बॉक्स पे 1199 यहाँ पर आपको MRP यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, 299 मेरे को पड़ा है। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी सील वगैरह नहीं मिलती, सिंपल टेप से आपको टेप लगा मिलता है। तो जल्दी से इसको हम खोल लेते हैं। अगर ये बल्ब किसी को पसंद आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चला के। तो बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि देख सकते हो। आपको बल्ब के लुक वाइज के बारे में बात करें तो इधर आपको लोगो मिल जाता है स्विच का, और नीचे साइड में आपको होल्डर लगाने के लिए स्विच एक कनेक्टर मिल जाता है 220 वोल्ट AC में आप इसको लगा सकते हो। कूलिंग वाला AC नहीं, 220 वोल्ट AC ध्यान रखना। तो हमने जुगाड़ बना लिया, 220 वोल्ट AC हम लेकर आ चुके हैं इधर आपको दिखाने के लिए। केवल इधर को हम कनेक्ट करेंगे अपना बल्ब और ये कनेक्ट हो चुका है। पहले तो मुझे लगा ये चस क्यों नहीं ना ख़राब भेज दिया गया, लेकिन इसके लिए चलाने के लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी भाई। फ़ोन में आपको डालना पड़ेगा एक ऐप, इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो रही है प्ले स्टोर से। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसमें लॉगिन और साइन अप वगैरह कर लेना, ये तो मुझे पता आप कर लोगे। इसके बाद दोस्तों आपका मेन स्टेप आता है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करना, और आपको यहाँ पर अगर आपका बल्ब दिखा देता तो सही बात है, लेकिन अगर नहीं दिखाता तो आपको तो अपने फ़ोन के वाईफाई को अपने बल्ब के वाईफाई से कनेक्ट कर देना। उसके बाद आपको वहाँ पर ये दिखा देगा। इसके बाद आपको स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये पूछने वाला है हमसे कि आप अपने बल्ब को राउटर से कनेक्ट करना चाहते हो या अपने फ़ोन के वाईफाई से। तो अगर आप फ़ोन के वाईफाई से करोगे तो आप इसके म्यूज़िक सिंक वाले फीचर को यूज़ नहीं कर पाओगे, वो आप कर पाओगे जब भी जब आप अपने बल्ब को राउटर से कनेक्ट करोगे। तो हम राउटर का यूज़ करेंगे, बल्ब को कनेक्ट करते हैं अपने राउटर से। तो राउटर के साथ हम सेटअप कर लेंगे। इधर आपका पासवर्ड भी मांगेगा वाईफाई, जिस भी राउटर से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो जल्दी से पासवर्ड डाल के इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो रहा है, अभी हो जाएगा ये कनेक्ट। इधर ये सेटअप हो चुका है, और डिवाइस नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। डिवाइस नेम हम डाल देते हैं कुछ भी, और यहाँ पर आपका दिख जाएगा बल्ब। ये देख सकते हो ऑनलाइन हो चुका है बल्ब, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे देख सकते हैं। म्यूज़िक सिंक का ये रहा ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ फीचर्स को टेस्ट भी कर लेते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या है इसमें कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राइटनेस है, और अंदर देखते हैं। सबसे पहले म्यूज़िक वाले को ही देखते हैं, तो क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक वाला ऑन हो गया। जब भी मैं बोलता हूँ ना दोस्तों तो इसके कलर चेंज होते हैं, मतलब जैसे कि साउंड सुनेगा ना, होता क्या है मतलब फ़ोन का माइक जब भी आवाज़ सुनेगा तो वो ट्रांसफ़र कर देगा बल्ब के पास सिग्नल्स, और उसके कलर चेंज होंगे साउंड के हिसाब से। साउंड जैसा भी होगा जल्दी जल्दी, मतलब बीट्स होंगी तो जल्दी जल्दी चेंज होगा बल्ब का कलर इस हिसाब से। सेंसिटिविटी भी दे रखी है इधर, आप सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। और इफ़ेक्ट में हम जाएँ तो रैंडम, इसमें कलर चेंज होते रहेंगे आपके रैंडमली, जैसा कि देख सकते हो कलर्स मतलब ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे रैंडमली। और कैंडल वाला फीचर भी होगा एक, स्ट्रोब इसमें ब्लिंक करेगा बल्ब जल्दी जल्दी। और ये कैंडल वाला ये मस्त है भाई, ऐसा लगता है कैंडल जल रही हो भाई। और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो आप अपने बल्ब को रैंडमली। काफ़ी फीचर्स हैं भाई, तो और देखते हैं हम। और आपको टेम्परेचर मतलब इसको बढ़ा दें तो ब्राइट हो जाता है बल्ब बहुत ब्राइट। और ये कलर व्हील आपको मिल जाता है इधर, कलर व्हील क्या है मतलब रेड जैसा होना है भाई, रेड ऑन करना है, रेड एक्टिव करना है, ब्लू एक्टिव करना है, ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो भाई। सेंटर में वाइट प्रोवाइड करवाया गया आपको, और यहाँ पर ब्लू, जहाँ पर भी आप डॉट ले जाओगे वही कलर इसमें हो जाएगा
सर कि देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये भी फीचर सही है, कलर व्हील वाला। ये मतलब RGB है, RGB रेड ब्लू ग्रीन, 16 मिलियंस कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, खतरनाक कतई। तो दोस्तों 299 रुपये के रेंज में आप वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है आपके लिए। अगर आपको ये बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो दोस्तों इधर आपको दिखाने के लिए, जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए, मैंने बल्ब को स्क्रीन के बैक साइड रख दिया, और देख सकते हो कैसा इफेक्ट आ रहा है। अगर इसको परमानेंट लगा ले तो कहीं खतरनाक गेमिंग PC का इफेक्ट आने वाला है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, इधर से कलर भी चेंज कर दो और भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लें। 30 बंदे हो चुके हैं अब तक डिस्कॉर्ड में, और भी भाई होंगे, फटाफट आप ज्वाइन कर लें अगर आप एक गेमर हैं खतरनाक वाले। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।